क्या कभी आपने आटा छन्नी में रुई रखने के बाद यूज किया है फ्रेंड? क्यों यूज करना है, इसका क्या मतलब के लाभ मिलने वाला है आपको, वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलने वाला है फ्रेंड। तो चलिए आज देर ना करते वीडियो को डायरेक्ट शुरू ही कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं कंगन। तो ऐसा होता है फ्रेंड, मार्केट से हम कभी कभी ना बिना हाथ से नाप लिए हुए ही चूड़ी या कंगन या मतलब ऐसे कुछ खरीद लेते हैं जो भी हमारा मन करता है, हाथ में पहनने वाली कोई भी चीज। लेकिन जब हम पहन के देखते हैं घर आके तो पता चलता है कि हमें तो छोटा हो रहा है, फिर हम परेशान हो जाते हैं, मार्केट कौन लौटाने जाए। और कभी तो ऐसा होता है मतलब गली में आते जाते हुए होते हैं, जैसे चूड़ी बेचने वाले उनसे भी ले लेते हैं, नापते नहीं लेते तो छोटी आ जाती है, पहनते हैं तो हाथ में दर्द होता है। आपने करना क्या है, अगर आपको छोटी चूड़ी या कंगन आ रहे हैं तो आपके घर में रखी होगी वैसलीन। इस वैसलीन को ना आपने करना क्या है, कंगन के अंदर वाली साइड में आपने इस तरीके से लगा देना है हल्का हल्का सा। अगर आप चूड़ी पहनने जा रही हैं तो चूड़ियों में भी आप अंदर की तरफ लगा सकते हैं। बहुत इजीली तरीके से आप छोटी से छोटी कंगन और चूड़ियां भी पहन पाएंगे। अब आप कहोगे कि साबुन से पहन लेंगे, तेल लगा के पहन लेंगे, तो तेल से इतना अच्छा वर्क नहीं करता है फ्रेंड, क्योंकि तेल थोड़ा सा ज्यादा लिक्विडी होता है, वैसलीन इतनी लिक्विडी नहीं होती है, तेल से थोड़ी थिक होती है। तो ये जो ना ज्यादा मतलब के वर्क करने वाली होती है। अब देखिए कितने आसानी से ये जो कंगन है मैं पहन पा रही हूँ, देखिए कोई भी मुझे दिक्कत नहीं हो रही है पहनने में। यहाँ पे पहले ये मेरे को थोड़े टाइट हो रहे थे, मतलब हल्का सा मेरे को दर्द लग रहा था पहनते हुए हाथ में। तो अगर आपको कभी लगे कि यहाँ पे चूड़ी या कंगन छोटे आ गए हैं तो आप वैसलीन का इस्तेमाल कीजिएगा, आपके हाथ में आसानी से चूड़ी कंगन आ जाएंगे। अब नेक्स्ट आइटम मेरा होने वाला है आटे को लेकर। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड हमें के थोड़ा सा आटा छानना होता है, मतलब कि कुछ रेसिपी हम ऐसी बना लेते हैं मीठी कि हमें उसमें थोड़ा सा आटा चाहिए होता है और हम बना लेते हैं। अब थोड़े से आटे छानने के लिए भाई हम उसका तो यूज करते नहीं है परात वगैरह का, हम सीधा कोई कटोरा वगैरह उठाते हैं कोई बड़ा सा इस तरीके से और उसमें आटा छानने की कोशिश करते हैं। डोंगा वगैरह कोई ऐसा होता है हमारे घर में, उसमें आटा बहुत कम जाता है लेकिन बाहर बहुत ज्यादा बिखर जाता है। वैसे तो आप बड़े बर्तन में भी छान सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसी होता है कि थोड़ी चीज हम बनाते हैं तो छोटे से बर्तन में उसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब अगर आपको कम आटा छानना है या बेसन छानना है तो किसी बर्तन में आप ले लीजिएगा, चाहे गिलास हो चाहे छोटी सी कटोरी हो। अब उसे ना इस तरीके से उल्टा करके आप छन्नी में रख के घुमाएंगे ना, तो जो नीचे वाला छोटा बर्तन आपने रखा होगा ना उसमें आराम से पूरा का पूरा आटा या बेसन चला जाएगा, बाहर नहीं बिखरेगा। तो ये ट्रिक ना बड़ी अच्छी है फ्रेंड, अगर आप छोटे बर्तन में कभी कभी आटा या बेसन वगैरह छानना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया है छानने का तरीका, इस तरीके से आप छानिएगा, आपका थोड़ा सा भी बेसन या आटा बाहर नहीं गिरने वाला है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से राउंड राउंड मैंने घुमाया है इसको, और देखिए घुमाते ही ये देखिए कितने अच्छे से जो हमारा ये आटा है इसमें आ गया है, ये देखिए फ्रेंड। तो आशा करती हूँ छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो काम तो हमारे आसान हो जाते हैं फ्रेंड, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। अब नेक्स्ट आइडिया होने वाला है मेरे चश्मे को लेकर। चश्मा हमारे घरों में अक्सर किसी ना किसी को लगाए हुआ होता है, चाहे वो फैशन के चक्कर से लगा रहे हो या फिर निगाह का चश्मा हो। चश्मे को अक्सर करते क्या, कोई भी रखा हुआ सूती कपड़ा होता है घर में उसी से ना बस इसके ग्लास को पोंछ फाट देते हैं और पहन लेते हैं। अब इससे ना ये गंदा ही रहता है, क्लीन नहीं होता है, हमें तो लगता है हमने क्लीन कर लिया लेकिन क्लीन नहीं होता है फ्रेंड, ये डीप क्लीन नहीं होता था। इसको डीप क्लीन करने का एक बहुत ही बेहद सा आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके पास जितने भी चश्मे हैं आपने क्या करना है, फ्रीजर में रख देना है 5 मिनट के लिए बस। अब आप कहोगे कि फ्रीजर में रखने से क्या फायदा है, तो बहुत फायदा होने वाला है फ्रेंड, आज इसकी इस फ्रीजर में रखने से ही डीप क्लीनिंग होने वाली है। 5 मिनट बाद मैं इसे निकाल ली हूं, तो 5 मिनट बाद जब आप इसे निकालेंगे फ्रीजर में से तो इससे एक पतली सी लेयर जम जाएगी बर्फ की, पानी की, बस वही हमें चाहिए होगी। जो वो लेयर होगी ना बर्फ की वो इसके ग्लास को बहुत अच्छे से क्लीन करेगी। और आपको ना चश्मा जब भी क्लीन करना है तो आप उसी कपड़े से क्लीन कीजिएगा जो मखमल का कपड़ा चश्मे के बॉक्स के साथ हमें मिलता है, ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से। तो जब हम इसको अच्छे से क्लीन करेंगे ना तो ये बर्फ की वजह से ना हमारा जो चश्मा है ना एकदम से डीप क्लीन हो जाएगा। और एक फायदा और होगा, अगर आपकी आंखों में जलन वगैरह हो रही है ना तो आप जब इस ठंडे
चश्मे को अपनी आंखों पर लगाएंगे तो आपकी आंखों को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, आपकी आंखें भी ठंडी होने वाली हैं फ्रेंड। तो बहुत सुकून मिलेगा आपको, क्योंकि आंखों में बहुत ज्यादा जलन जैसी होने लग जाती है कभी कभी। तो आशा करती हूँ आज की छोटी सी जानकारी भी आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो यहाँ पर मेरा चश्मा क्लीन हो चुका है फ्रेंड, आप भी कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर मैंने ली हुई है आटा छानने वाली छन्नी। तो यहाँ पर जो मैं आज ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ उसमें ना आपको इस तरीके से आटा छानने वाली छन्नी का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि ये होती है ना लोहे वाली स्टील की, पता नहीं किस चीज की होती है ये वाली छन्नी, यहाँ पर काम पड़ने वाली। प्लास्टिक की छन्नी नहीं लीजिएगा फ्रेंड आप। और प्लास्टिक की छन्नी अगर आप यूज कर रहे हैं तो मैं बताऊंगी कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर ना मैंने इसमें थोड़ी सी कॉटन रख दी है। अब कॉटन हमें क्यों इस्तेमाल करनी है, अब आपके दिमाग में ये भी बात चल रही होगी, इसमें कॉटन रखने का क्या मतलब, क्यों बर्बाद करनी है कॉटन, आटा तो छानना है फ्रेंड। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये रख लिया है और ये देखिए फ्रेंड, अब मैं इसका यूज कैसे करने जा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इस रुई को ना अच्छे से इसमें फैला देंगे। ऐसा होता है ना कभी कभी फ्रेंड, जब हम खाना वगैरह बनाते हैं या मतलब कुछ भी चीज ऐसी बनाते हैं, जैसे पूरी वगैरह हुई, तो हमारा ना काफी सारा तेल बच जाता है। और ऐसा होता है ना अगर हमें ज्यादा खाना बनाना पड़ता है तो हमारे पास कभी कभी ज्यादा कढ़ाई वगैरह नहीं होती है, तो हमें तुरंत क्लीन करनी पड़ती है गर्म कढ़ाई को ही। अब प्लास्टिक के बर्तन में तो हम इसे निकाल नहीं सकते फ्रेंड, और प्लास्टिक की छन्नी से भी गर्म तेल को नहीं निकाल सकते। तो हमें करना क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। इसीलिए ना मैंने यहाँ पर ये जो छन्नी ली हुई है ना, ये स्टील वाली छन्नी ली हुई है, और मैंने स्टील का ही यहाँ पर ये बर्तन लिया हुआ है, क्योंकि तेल गर्म था, कढ़ाई गर्म थी, मैंने चूल्हे पे से ये भी ये उतारी थी। तो इस तेल को मैं छान के ही रख रही हूँ तुरंत, बाद की कोई हैडक नहीं करनी, क्योंकि मैं प्लास्टिक के बर्तन में से निकाल के नहीं रख सकती थी, और छोटे मुंह के बर्तन में अगर मैं गर्म तेल को करती तो हो सकता था मेरे हाथ पे भी आ सकता था, गिर सकता था। इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टील वाली छन्नी का यूज किया है। चौड़ी है छन्नी, मेरे हाथ पर तेल आने का कोई भी मुझे डर खतरा नहीं था, और रुई से जितना भी तेल होगा ये इसमें गंदगी थी तेल में थोड़ी सी, तो ये जो ना फिल्टर हो जाएगी, यानी कि फिल्टर होके हमारा तेल हमें बर्तन में मिल जाएगा। और देखिए अगर आप प्लास्टिक की छन्नी का यूज कर रहे हैं तो आप उसमें ठंडा तेल छानिएगा, आपको प्लास्टिक की छन्नी में गर्म तेल नहीं छानना है फ्रेंड। तो यहाँ पर मेरा तेल ये गर्म सा था तो मैंने इसीलिए यहाँ पर ये स्टील की छन्नी का यूज किया। अगर आप ठंडा तेल छान रहे हैं, ज्यादा तेल है, तो आप प्लास्टिक की छन्नी का भी यूज कर सकते हैं। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑयल है अभी ठंडा सा हो चुका है फ्रेंड, गुनगुना है, ठंडा सा हो चुका है। तो कभी ज्यादा मात्रा में आपको तेल छानना पड़ जाए तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। देखिए हमारा तेल एकदम फिल्टर हो चुका है, ये जितनी भी इसमें गंदगी थी, मतलब कि पूरी वगाई बनाई थी मैंने तो बहुत सारा इसमें आ जाता है ना काला काला सा, ये पकौड़ी भी बनाई थी तो थोड़ा सा खाने पीने की चीजें कढ़ाई के तेल में आई जाती हैं, तो ये तेल मैंने फिल्टर कर लिया है, इसको मैं यूज कर लूंगी। और देखिए जो ये है ना इसको मैं फेंक दूंगी, और जो ये रुई है ना फ्रेंड, इसको फेंकने से पहले आपने ना एक बार और यूज कर लेना है। कैसे यूज करना मैं आपको बताती हूँ, बड़ी कमाल की है ये भी, बाद में फेंकिएगा। तो देखिए इसको यूज कैसे करना है, आपके घर में फर्नीचर तो होती है लकड़ी वाले, तो आप ना उस पे इसको घुमा दीजिएगा। अभी वैसे बरसात का टाइम है तो नमी रहती है इधर उधर, लकड़ी की जो चीजें होती है ना बहुत जल्दी नमी पकड़ती है और दीमक भी पकड़ जाती है, उनकी शाइन भी चली जाती है। तो आप लकड़ी के फर्नीचर को अगर घर में रखती हैं तो इस तरीके से, चाहे वो कुर्सी हो, मेज हो, कुछ भी हो, उस पर आप इस रुई को घुमा दीजिएगा। जो भी इसमें थोड़ा बहुत तेल होगा वो सब यूज में आ जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा। बाद में आप इस तेल को ना सूखे कपड़े से पोंछ दीजिएगा, यकीन मानिए फ्रेंड इस पे ऑयल बिल्कुल भी नहीं रहेगा, लेकिन जो आपका फर्नीचर धुंधला सा हो चुका है, पुराना सा हो चुका है, कुर्सी हो, मेज हो, या फिर दरवाजा वगैरह कुछ भी हो, वो सब ना एकदम शाइन करने लगेगा, बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा, यानी कि एकदम देखिए न्यू जैसी ये मेज हो चुकी है, पहले थोड़ी सी धूम ली थी। आशा करती हूँ ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।